हेलो एवरीवन, इन लास्ट वीडियो में डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम एगेरिकस के हमने लाइफ साइकिल के बारे में बात करी थी। हमने देखा था कि उसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें बेसिड स्पोर की फॉर्मेशन होती है और दो डिफरेंट फेज आती है, वेजिटेटिव जो अंडर द सोइल चलती है, द सेकेंड वन इज द रिप्रोडक्टिव जो जमीन के ऊपर चलती है। कैसे कैसे होती है वो हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे। नाउ नेक्स्ट वन, टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया। ठीक है, पक्सिनिया जो है वो सिर्फ एग्जाम्पल ही दे रखा है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, सिलेबस में भी नहीं है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से स्पोर होंगे, कैसे प्रेजेंट होंगे, किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होगा, वो सारी चीज हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो इट्स कंप्लीट नेम इज द पक्सिनिया ग्रामिनिस टिटिकाई। ठीक है, तो पक्सिनिया फुल नेम इज पक्सिनिया ग्रामिनिस टिटिकाई। ठीक है, ये दिस वन इज द मैक्रोसाइक्लिक, यानी कि जो लाइफ साइकिल वो थोड़ी सी लंबी है, कॉम्प्लेक्स है, एंड प्रोड्यूस मैनी डाइकैरियोटिक स्पोर्स, प्रोड्यूस मैनी डाइकैरियोटिक स्पोर, यानी कि ऐसे स्पोर प्रोड्यूस करेंगे जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होंगे, डाइकेरियन कंडीशन वाले न्यूक्लियस ये प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जो पक्षी ने दैट इज हेट्रोसिस नेचर, हेट्रोसिस नेचर क्या है, हेट्रोसिस नेचर का मतलब इसकी जो लाइफ साइकिल है वो मोर देन वन होस्ट के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो लाइफ साइकिल डिपेंडेंट अपॉन अपॉन मोर देन वन होस्ट, एक होस्ट से ज्यादा क्या है, डिपेंडेंट है। किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन कौन से होस्ट है, वो चीज हम यहां पर देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी होस्ट, जो सबसे पहले जिसके ऊपर लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी। फर्स्ट वन इज द वीट, जो प्राइमरी होस्ट है दैट इज द वीट। ठीक है, एंड द सेकेंडरी होस्ट इज द होस्ट इज, जिसको आप अल्टरनेट होस्ट भी बोल सकते हो, आसन होने द सेकेंडरी अल्टरनेट है, अल्टरनेट होस्ट दैट इज बर्बेरी। ठीक है, इसमें अगर मैं स्पोर की बात करूं तो पक्सिनिया विल प्रोड्यूस द फाइव डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, पांच अलग अलग टाइप के यहां पर स्पोर्स डेवलप होंगे फिर बनेंगे। तो पक्सिनिया प्रोड्यूस फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, पांच अलग अलग तरह के स्पोर इधर डेवलप होंगे। कौन कौन से हैं, कहां कहां पर बनते हैं, पहले एक बार नाम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द यूरिडो स्पोर, सेकेंड वन इज द टिलेटो स्पोर, थर्ड वन इज द बेसिडो स्पोर, फोर्थ वन इज द दैट इज पिकनियोस्पोर, ये आपने सुना था पिकनियोस्पोर, लास्ट वन इज द दैट इज एशियोस्पोर, लास्ट वन इज द एशियोस्पोर। ठीक है, पक्सिनिया को हम स्पर्मेटिया भी बोलते हैं, ये भी हमने वहां पर पढ़ा था, स्पर्मेटिया पढ़ा।
हमने फंजाई की बात करती, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर की, तो वहां पर पिकनो स्पोर के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, स्पर्मेटिया प्रोसेस के अंदर पढ़ा था। तो ये हो गए यहाँ पर फाइव डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स की हमने यहाँ पर बात करी कि पांच अलग अलग स्पोर्स यहाँ पर डेवलप होंगे। अब कौन कौन से स्पोर है जो कहाँ कहाँ पर डेवलप होगा वो एक बार देख लेते हैं। वीट के ऊपर कौन से होंगे, सोइल में कौन से होंगे, बर्बेरी में कौन से होंगे, वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। और जनरली सिक्वेंस भी यही रहती है, पहले नंबर पे यूरेडो स्पोर डेवलप करता है, फिर टिलेटो स्पोर, फिर बेसिडियो, फिर पिकनियो, फिर एशियो स्पोर डेवलप करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑन वीट। वीट के ऊपर जो स्पोर ग्रो करते हैं दे आर द यूरिडो स्पोर एंड द टिलेटो स्पोर। ठीक है, दूसरा है इन सोइल, जमीन में कौन से ग्रो करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा दैट इज बेसिडियो स्पोर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वन है दैट इज ऑन बर्बेरी, बर्बेरी जिसके ऊपर बेर लगते हैं उसको बोला गया है। तो इसमें जो नाम आएगा रिमेनिंग टू स्पोर्ट्स का आएगा दैट इज पिकनियो स्पोर, इन द सेकेंड वन इज द एशियो स्पोर। तो ये फाइव स्पोर हो गए जो इन तीन अलग अलग रीजन्स के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्राइमरी होस्ट है दैट इज द वीट, जो सेकेंडरी है दैट इज द बर्बे। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से स्पोर बनेंगे, इन स्पोर के रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो तीन पॉइंट लिखे गए हैं पोजिशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्पोर कहाँ पर डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये हम एक एक करके इन स्पोर के बारे में देख लेते हैं कि इनके करेक्टर क्या क्या होंगे। तो जो सबसे पहला हम डील करते हैं दैट इज स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑन द वीट। सबसे पहले स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑन वीट, गेहूं के ऊपर लाइफ साइकिल का कौन सा पार्ट आएगा, जो वीट है दिस वन इज द प्राइमरी होस्ट, कौन सा होस्ट है, दिस वन इज द प्राइमरी होस्ट, ठीक। अब प्राइमरी होस्ट है तो यहां पर सबसे पहले जो ग्रो करने वाला जो स्पोर है उस स्पोर का नाम क्या है, दैट इज यूरिडिया या फिर यूरिडो स्पोर, यूरिडिया एंड यूरिडो स्पोर। यूरिडो स्पोर है जो ग्रो करेगा, ठीक है। अब यूरिडो स्पोर के क्या क्या करेक्टर है, क्या क्या फीचर है वो हम यहां पर देख रहे हैं। सबसे पहले दे आर द यूनिसेल्ड, एक सेल के, इसके अलावा कैसा है, ओवल शेप का है, दिस वन इज द स्टार्क, नीचे एक छोटी सी स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होगी, ऐसे बोल दे। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो दिस वन इज द डाइकेरियोन, फिर डाइकेरियोटिक स्पोर। अगर कलर की बात करें तो दिस वन इज द रेडिश ब्राउन इन कलर, दिस वन इज द रेडिश ब्राउन इन कलर, जो कलर होगा वो रेडिश ब्राउन होगा। तो ये होगा इसकी अपीयरेंस के बारे में, कहां से डेवलप हो रहा है वो और देखते हैं। ये जो स्पोर है यूरिडो स्पोर दैट टर्मिनेट या फिर दैट डेवलप फ्रॉम, इट डेवलप फ्रॉम एशियो स्पोर, किससे बनता है, ये एशियो स्पोर से बनता है, कैसे बनेगा वो भी अभी देखेंगे। इसके अलावा ये जो स्पोर होते हैं यूरिडो स्पोर दे हैव द थ्री लेयर्ड वाल, इनके ऊपर थ्री लेयर की एक वाल होती है। तो यूरिडो स्पोर है वो है
लेयर वाल, ठीक है, और जो आउटर वाल है दैट है वो स्पाइनी स्ट्रक्चर, आउटर वाल है वो स्पाइनी स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ काटे की जैसे अपीयरेंस उधर होगी। इसके अलावा नेक्स्ट वन, ये जो यूरिडोस्पोर है वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। ये जो स्पोर है यूरिडोस्पोर, ये फ्रेश वीट प्लांट के ऊपर क्या करते जाएंगे, ग्रो करते हुए जाएंगे, तो दे मल्टीप्लाई बाय द जर्मिनेशन ऑन फ्रेश वीट प्लांट। जो नया वीट प्लांट है उसको इन्फेक्ट करके ये अपने नंबर को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और वहां पर ये जो स्पोर है वो कैसे कलर देंगे, रेड कलर देते हैं। स्पोर प्रोड्यूस या फिर गिव रेड कलर, सो दिस स्टेज और इन्फेक्शन नोन एज रेड रस्ट स्टेज, नोन एज रेड रस्ट स्टेज। अगर पूछ ले कि पसीने में जो रेड रस्ट स्टेज है वो किस स्पोर की वजह से आ रही है, तो आंसर हो जाएगा दैट इज द यूरिडियो स्पोर की वजह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड स्पोर दैट इज द टीले स्पोर, सेकेंड स्पोर दैट इज द टीलिया या फिर टीलियो स्पोर। जो टीले स्पोर है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक रस्ट स्टेज, पहले लिख दिया मैंने ताकि क्लियर रहे आपको। ये जो स्पोर डेवलप हुए वो किसे डेवलप होंगी, यूरिडो स्पोर की मॉडिफिकेशन से डेवलप हुए, तो दे डेवलप्ड बाय बाय यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर से ये क्या हुए, डेवलप हुए, ठीक है। कैसे होंगे ये, हैव ब्राउन ब्लैक कलर, हैव ब्राउन ब्लैक कलर, इनका ब्राउन ब्लैक कलर होता है, ठीक है। दिस वन हैव द स्टार्क स्ट्रक्चर, हैव स्टॉक, ठीक है। इसके अलावा थिक वॉल होगी, थिक वॉल प्रेजेंट है। इसके अलावा कैसे हैं, दीज आर द बाई सेल, इनके अंदर दो सेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। किसको ये इन्फेक्ट करेंगे, इन्फेक्ट द न्यू वीट स्ट्रक्चर। ऊपर भी किधर थे, दो न्यूक्लियस थे, डाई किधर थे, तो इन्फेक्ट न्यू वीट प्लांट, नए वीट प्लांट को ये क्या करेंगे, इन्फेक्ट करें, ठीक है। और तब यही स्पोर तब जमीन पे गिर जाते हैं, वीट प्लांट से अलग होकर तब ये जमीन पे गिर जाते हैं, तो यही जर्मिनेट करने के बाद क्या बना देंगे, बेसिड स्पोर बना देंगे। तो बेसिड स्पोर डेवलप फ्रॉम टीलेस्पोर, टीलेस्पोर से डेवलप होंगे। इस टीलेस्पोर के केस में अगर आप देखोगे तो जो न्यूक्लियस थे वो फ्यूज कर जाते हैं और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर यहां पर डेवलप हो जाती है, डिप्लोइड स्ट्रक्चर यहां पर डेवलप हो जाएगी, दो सेल हो गई, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, तो ये हो गई बाहर की वाल हो गई इसकी टीलेस्पोर की, ये अंदर की तरफ क्यों गया, इसका न्यूक्लियस हो गया, एंड दिस वन इज द स्टॉक, दिस आर द टीलेस्पोर। क्लियर होगा, तो उसके बाद में नेक्स्ट वन इज द बेसिडियो और बेसिडियो स्पोर, थर्ड वन इज द
बेसिडिया या फिर बेसिडियोस्पोर। देखिए जो टीले स्पोर है वो 2 साल का है, जैसे ही जमीन पे गिरेगा तो ये जर्मिनेट करना क्या करता है, स्टार्ट करता है, जिसको हम प्रोमाइसिलियम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और तब जो टीले स्पोर जो 2 स्टेज का है, दैट इन द हाइपोबेसिडियम। तो यहाँ पर देखते हैं 2 सेल ऑफ टीले स्पोर एक्ट एज हाइपोबेसिडियम, किसकी तरह बिहेव करेगा, हाइपोबेसिडियम की तरह। हाइपोबेसिडियम का मतलब कि बेसिडियम को बनाने के लिए पहली स्ट्रक्चर की तरह ये ट्रीट करने लगता है, ठीक है। दिस या फिर दे जर्मिनेट इन सोइल एंड फॉर्म ट्यूब, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं नोन एज, और उस ट्यूब को हम क्या बोल देंगे, दैट इज द प्रोमाइसिलियम बोल देंगे। रियल माइसिलियम तो नहीं है, लेकिन उसकी जैसी फॉर्मेशन होती है, उसकी स्टार्टिंग शुरू हो गई, तो दैट इज नोन एज द प्रोमाइसिलियम। देखिए जो 2 स्पोर की सेल थी, टीले स्पोर की, नोन एज द हाइपोबेसिडियम, तो वो ग्रो कर गई और ट्यूब सी बन गई, तो उसको हमने क्या बोल दिया, प्रोमाइसिलियम बोल दिया। अब जो न्यूक्लियस था, जो ये डिप्लोइड न्यूक्लियस था, ये 2n था इसके अंदर न्यूक्लियस, और जो ये न्यूक्लियस था वो किसमें चला जाएगा, प्रोमाइसिलियम में चला जाएगा। प्रोमाइसिलियम में जाने के बाद में वो किसमें चला जाएगा, मियोसिस में जाएगा, और 4 स्पोर बना देगा, दीज आर द बेसिड स्पोर, ठीक है। नाउ 2n न्यूक्लियस एंटर इंटू इंटू प्रोमाइसिलियम एंड अंडर गो मियोसिस एंड फाइनली प्रोड्यूस 4n स्पोर, 4 हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेगा, एंड जो ये 4 हैप्लॉइड जो होंगे दे आर नोन एज द कौन से, दी ज्यादा बेसिडियो स्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो स्पोर बनेंगे दी ज्यादा बेसिडियो स्पोर। और ये बेसिडियो स्पोर के करेक्टर क्या क्या है वो हम करेक्टर यहाँ पर देख लेते हैं, क्या करके हम। दिस वन इज द यूनिसेलुलर, एक सेल का स्पोर है, ठीक है, एक ही न्यूक्लियस होगा तो मोनोकैरियोटिक है, स्टार्क भी प्रेजेंट होगा तो दिस वन इज द स्टार्क। तो कुछ ऐसे बना दे इसको, एक सेल का हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया, स्टार्क हो गया, ठीक है। तो आप ऐसा बना सकते हो। अब ये जो है वो किस पे इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्ट ऑन द बर्बेरी जो इसका सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है। तो दिस स्पोर नाउ इन्फेक्ट ऑन बर्बेरी या फिर अल्टरनेट होस्ट। देखिए बार मैं डिवाइड कर देता हूँ, सबसे पहले था यूरिडिया या फिर यूरिडियो स्पोर, जो वीट के ऊपर इन्फेक्शन करता था, सिंगल सेल था, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस थे, स्टार्क था, ठीक है। उसके बाद में वो जैसे दोनों फ्यूज होते हैं तो वो आपस में क्या कर देंगे, टीले स्पोर की फॉर्मेशन कर देते हैं, और यहाँ पर 2 सेल के अंदर जाएंगे और एक एक न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं, जिस वन द टीले या फिर टीलेटो स्पोर है। अब जैसे स्पोर वीट से नीचे गिरेगा तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिडिया फिर बेसिडियो स्पोर के अंदर आ जाएगा। अब ये स्पोर हवा से, वाटर से या फिर किसी भी एनिमल से किसके ऊपर चले जाएंगे, बर्ड बेरी के ऊपर चले जाते हैं, बर्ड बेरी पे चले जाएंगे जो कि इसका सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है। तब इस दूसरी स्टेज आ गई, दैट इज स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑन बर्ड बेरी। ऑन बर्ड बेरी, ठीक है। अभी जो फोर्थ वन स्पोर है वो कौन सा, दैट इज द स्पर्मेटिया, और आल्सो नोन एज द
स्पोर। अब ये जो स्पोर आए हैं, अब इनके कैरेक्टर क्या क्या हैं, इनके फीचर क्या क्या हैं, वो हमें यहाँ पर देखने हैं। तो फीचर देखते हैं। देखिए पिग्नोस्पोर में जो फॉर्मेशन होगी वो किस होगी, बेसिड स्पोर्स होगी। तो बेसिड स्पोर में दो तरह के स्ट्रेन थे, एक पॉजिटिव और एक था नेगेटिव, हमने लास्ट मशरूम वाले में भी पढ़े थे। तो जो 50-50 के स्पोर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि मेल और फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं। ये दोनों स्पोर जो है पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेन की कहां पर ग्रो करेंगे, बोथ ग्रो ऑन बर्बेरी लीफ, और वो भी कौन सी साइड में, ऑन द अपर साइड, अपर साइड में ये जर्मिनेट करेंगे। इंट्रोड्यूस तभी ग्रो करेंगे, तो एक जो हाइफी या फिर जो एक फिलामेंट लाइक से बनेगी, दैट इन्होंने द हैप्लो फेस प्रोड्यूस करेंगे, हैप्लोइड फेस करेंगे, और उन्होंने द प्राइमरी माइसिलियम, हैप्लो जो फेज है दैट इज द प्राइमरी माइसिलियम। अब ये जो प्राइमरी माइसिलियम है वो लगातार लीफ में पेनिट्रेट करेगा, वो पेनिट्रेट करने के बाद में दे पेनिट्रेट इन लीफ एंड ग्रो एंड मेक ए फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर नोन एज, जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बनी है दैट इन नोन द स्पर्मोगोनिया, उसको हम स्पर्मोगोनिया या फिर पिग्निडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पिग्निडियम बोलते हैं। और जो इसके एक छोटा सा पोर होगा जो माउथ होगा दैट इन नोन द ओस्टियोल, ठीक है। अब इसके अंदर जो स्पर्मोटो जो गोनियम है वो यूनिसेल से लेयर्ड से कवर्ड है, जिसको हम स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। तो दिस फ्लास्क हैव जो फिलामेंट है दे आर द स्पर्मेटियो फोर, फोर है स्पर्मेटोफोर है। अब इसमें से कुछ तो बनाते हैं आपके पिकनेस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि कुछ जो सेल है वो तो पिकनिक स्पोर बना देगी कुछ तो, और जो कुछ दूसरे हैं एंड अनदर सेल विल मेक द फ्लेक्सेस हाइफी, बोलो फ्लेक्सेस हाइफी, या फिर आज उन्होंने द रिसेप्टिव हाइफी। देखो जो स्पर्मेटोफोर है जो फ्लास्क के अंदर जो हाइफी है, ठीक है, फ्लास्क को हमने क्या बोल दिया था, स्पर्मोगोनिया बोल दिया था। दिस फ्लास्क हैव द स्पर्मेटोफोर, फोर फोर का मतलब होता है स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर जो डंडे की जैसे हो। तो उसमें दो तरह की सेल थी जिन्होंने दो अलग अलग चीजें बना दी, कुछ ने बना दी पिग्नोस्पोर, गैमेट बना दिए मेल, और जो फ्लेक्सेस है या फिर जो रिसेप्टिव हाइफी है दैट विल बिहेव एज द फीमेल, ये फीमेल की तरह ट्रीट करेंगे। अब ये ट्रांसफर हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट की सहायता से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाइकेरोनाइजेशन हो जाएगा, एंड फाइनली डाइकेरियोनाइजेशन टेक प्लेस, यानी कि फीमेल जो ट्राइकोगाइन था जो हाइफी था उसमें एक खुद का न्यूक्लियस था और एक मेल आ गया, तो एक में दो न्यूक्लियस हो गए, तो दिसमें द डाइकेरोनाइजेशन हो गया। लास्ट वन जो स्पोर आ जाता है दैट इज एशियो स्पोर या फिर एशिया, फिफ्थ वन इज द एशिया एंड एशिया स्पोर। देखिए जो एशिया स्पोर है वो किसे डेवलप होंगे, अब जो मैंने इससे पहले पढ़ा था पिकनिक स्पोर उससे डेवलप होंगे। ये लीफ के कहां पे थे, ऊपर थे पिकनिक स्पोर, तो यहां पर ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए थे, यहां पर फ्लास्क शेप बन गई थी, यहां पर डाइकेरन कंडीशन हो गई थी।
अब ये तब जर्मिनेट करेगी तो ट्यूब नीचे की तरफ डेवलप होगी। अब ये जो आए हैं तो ये डिफरेंशिएट होके नीचे की तरफ ऐसे स्पोर प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। ये हाइफिया माइसिलियम कैसी कर दी पढ़ी तुमने, एन प्लस एन कंडीशन की पढ़ी थी, डाइकेरियोनाइजेशन पढ़ा था दोनों, तो वही कंडीशन अभी इसमें आ गई। ये जो स्पोर है दीज आर द एसियो स्पोर, और ऊपर कौन से थे यहाँ पर पिकनियो स्पोर थे, तो ये ऊपर की तरफ से जर्मिनेट करके नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। तो इस एसियो स्पोर की हम बात करें तो रिलीज फ्रॉम लोअर सरफेस ऑफ बर्बेरी, बर्बेरी लीफ के नीचे की तरफ से क्यों होंगे रिलीज होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके करेक्टर की बात कर दें, इसके फीचर की बात कर दें, तो इसका फीचर क्या है कि जो एशियो स्पोर है दे आर द पोलीहेड्रल है, पोलीहेड्रल का मतलब कुछ ऐसे दिखाई देंगे, तो दीज आर द पोलीहेड्रल है। इसके अलावा ओवेट भी हो सकते हैं, ओवल टाइप के दिखाई दे सकते हैं, बाई न्यूक्लेटेड दो न्यूक्लियस है, एक सेल है यूनिसेल, ठीक है, डबल लेयर है, एक लेयर ही हो गई, एक ऐसी और बना दे, तो दिस वन इज द बाई लेयर, तो डबल लेयर हो गया। इसमें एग्जाइन और इंटाइन प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब तब ये यहां से स्पोर तक फ्री हो जाएंगे, तो यहां से ये बर्बेरी से फ्री होके किस पे चले जाएंगे, वीट पे चले जाएंगे, ठीक है, और फ्रीली सेट हो जाएंगे, फ्रीली सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके फाइव स्पोर और उनके कंडीशन के कैसे कैसे। देखिए सबसे पहले आया था यूरिडोस्पोर, यूरिडोस्पोर की कंडीशन क्या थी, एन प्लस एन कंडीशन थी वीट के ऊपर। उसके बाद में मॉडिफाइड होके क्या बना था, टिलेटोस्पोर बना रहा था, टिलेटोस्पोर की कंडीशन क्या थी, एन प्लस एन, बाद में तब फ्यूज होगा तो फिर क्या बनाएगा, टू एन कंडीशन में डेवलप हो जाएगा। उसके बाद में फिर यहां पर हुआ था मियोसिस, मियोसिस होने के बाद में फिर क्या बने थे, यहां पर बेसिडियोस्पोर बने थे, बेसिडियोस्पोर डेवलप हो गए थे। सोइल में थे कैसी कंडीशन थी, एन कंडीशन। अब यहां से ये कहां पर आ जाते हैं, बर्बेरी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। बर्बेरी पे तब ये ग्रो करेंगे तो कौन से स्पोर बनेगा, दैट इज पिकनियोस्पोर ये फिर स्पर्मेटिया आ गया। इसकी कंडीशन आपने देखी थी कि क्या थी, स्पर्मेटिया वगैरह की कंडीशन, मेल और फीमेल कंडीशन थी, तो यहाँ पर डाइकेरियन कंडीशन आ गई थी, एन प्लस एन कंडीशन। उसके बाद में फिर ये पिकनियो स्पोर किसमें कन्वर्ट हो रहा था, एसियो स्पोर में कन्वर्ट हो रहा था, जहां पर कंडीशन थी एन प्लस एन थी। उसके बाद फिर ये किस पर था, वीट पर ट्रांसफर हो जाता है, और फिर वीट पर क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये यूरिडो स्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना था यहां से लेके यहां तक का वीट पर, ये था बर्बेरी, ये था वीट, और ये था सोइल के अंदर, तो ये सारी की सारी फेजेज इधर दिखाई देगा, ठीक है। जो लाइफ साइकिल इसकी, दैट वाज फर्स्ट टाइम डील बाय द प्रोफेसर केसी मेहता, तो केसी मेहता डील पक्सिनिया लाइफ साइकिल, पक्सिनिया लाइफ साइकिल को सबसे पहले इन्होंने इंडिया में डील किया, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पर पक्सिनिया की लाइफ साइकिल, उसके जो मेन मेन स्पोर्ट थे वो हमने यहाँ पर सारे के सारे देख लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर और हैं फंजाई से रिलेटेड, जिसमें हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि किस किस से रिप्रोडक्शन करेंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो एक्स्ट्रा डेवलप हो जाते हैं यहाँ पर, तो वो देखेंगे।
देखिएगा यहाँ पर अभी हमें बात करनी है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस, जिसमें मैंने बोला था कि कुछ पॉइंट्स से जो बचे हैं। तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर हैं जो वेजिटेटिव, द फर्स्ट वन इज द स्क्लेरोटिया एंड द सेकंड वन इज द राइजोमा। स्क्लेरोटिया क्या है कि फंगस की हाइफी का एक मास है, ठीक है, जो सोइल में या फिर जो बाजरा वगैरह होते हैं फिर सिस्टम होता है वहां पर ये ग्रो कर जाते हैं। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, कंपैक्ट मास को स्क्लेरोटिया बोलते हैं। तो दीज आर द परमानेंट बॉडी है मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट मास ऑफ हाइफी, जो हाइफी है उसके कॉम्पैक्ट मास की वजह से ये साउंडेस्ट गोल स्ट्रक्चर बन गई, जिसको हमने क्या बोल दिया, स्क्लेरोटिया बोल दिया। ये न्यू हाइफी प्रोड्यूस करते रहते हैं, दीज आर द न्यू हाइफी, प्रोड्यूस न्यू हाइफी, जो लगातार उसको अटैच करने में, पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्लेवी कैप्स के अंदर ये बनती है, ठीक है। एक ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस वन इन द राइजोमोर, कैसे होगा, दिस वन इज द रोड लाइक स्ट्रक्चर है, सब टेरिटेन है, यानी कि जमीन के नीचे मिलेगा, ये सोइल और ये वन स्टेम के ऊपर भी मिल सकता है, ठीक है। इसमें डेफिनेट ग्रोइंग पॉइंट होगा जहां से ये ग्रो करता हो जाएगा। इसके बाद में ये यहां से पेनिट्रेट करेगा, लगातार न्यू हाइफी देता जाएगा। इसके अलावा अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो ये डोरमेंट स्टेज में क्या कर देगा, उसको पास कर देगा। तो दे पास अनफेवरेबल कंडीशन इन डोरमेंट स्टेज, इनएक्टिव रह के उसको पास कर। तो ये दो सेक्टर है, सोल में पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा और किसी भी चीज से अटैच रहने में हेल्प करेगा। जनरली आप कई बार बाजरा मिल्ट वगैरह देखते तो उसके ऊपर ऐसे आपको डॉट्स दिखाई देते हैं कुछ अलग से ही, तो दे आर द स्क्लेरोटिया। तो यहाँ पर हमारे फंगस का पार्ट कंप्लीट हुआ। आई होप शायद आपको फंगस अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे अबाउट द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द फंगस, जिसमें माइकोराइज